Hello students, welcome back to your channel that is Step by Step Study. This is part 2 of your chapter number 2 that is matter around us pure. हमने पढ़ा था मैटर के बारे में. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे दैट इज नोन एज अ मैटर. जिसके पास भी मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैटर, इसका कुछ मास है, मतलब कुछ भार है इसका, उस भार को हम मास बोलते हैं, वेट नहीं बोलते. वेट कब बनता है? जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की तरफ और इनटू 9.8 जब हो जाता है आपका, तो दैट इज नोन एज वेट. तो जिसका कुछ मास हो, कुछ भार हो और कुछ जगह घेरे, कोई जगह घेरे ये, तो उसी को हम बोलते हैं मैटर. हमारे इस अर्थ पे हर चीज मैटर की बनी हुई है. मैटर को हमने कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा कौन सा था? प्लाज्मा. पांचवा कौन सा था? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी. अब हम बात करते हैं कि ये जो मैटर है क्या ये प्योर है. आप प्योर किसको बोलते हो? आप प्योर उस चीज़ को बोलते हो जिसमें कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं होती. एडल्ट्रेशन मतलब कोई भी मिलावट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल हम दालें लेके आए, उसमें हम देखते हैं कि छोटे 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 कंकड़ मिले हुए हैं, तो हम कहते हैं कि ये दाल एडल्ट्रेटेड है, इस दाल में मिलावट है. लेकिन वहीं हम ऐसी दाल लेके आए जो बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो हम बोलेंगे कि इस दाल में बिल्कुल भी मिलावट नहीं है. ऐसे ही हम कोई दूध लेके आए बाहर से, तो हम कह देते हैं इसमें थोड़ी बहुत मिलावट होगी. लेकिन जो हम दूध डेयरी से अपने सामने निकलवाते हैं, हम कहते हैं इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल प्योर दूध है, बिल्कुल फ्रेश मिल्क है. ऑल राइट. लेकिन हमारी डेफिनेशन प्योर की और साइंटिस्ट की या फिर केमिस्ट्री की डेफिनेशन प्योर की बिल्कुल ही अलग होती है. अब हमने डेयरी से दूध निकाला और हम साइंटिस्ट के पास ले गए, हमने कहा ये बिल्कुल प्योर दूध है, ये हमारे सामने निकला है और भैंस को कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कुछ नहीं, और ना ही हमने इसमें कोई एडल्ट्रेशन करी है, दिस इज़ दी प्योर मिल्क. बट साइंटिस्ट बोलेंगे दिस इज़ नॉट दी प्योर मिल्क, ये कोई प्योर मिल्क नहीं है. वाई? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है और हम प्योर तभी बोलते हैं जब वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो. वो पार्टिकल्स कौन से? जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस. आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर, जिन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो. तो साइंटिस्ट ने बोला हम उसी चीज़ को प्योर कंसीडर करेंगे जो एक तरीके के एटम से बना हो या एक तरीके के मॉलिक्यूल से बना हो या फिर एक ही तरीके के आयन से बना हो. फॉर एग्जांपल हमारी हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को आप देखोगे, आप उसको कितना ही ब्रेक करोगे, आपको हाइड्रोजन के ही एटम्स उसमें मिलेंगे, सेम हाइड्रोजन के एटम. ऐसे ही ऑक्सीजन को आप देखोगे तो उसमें ऑक्सीजन गैस के ही एटम्स आपको मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में आपको ऑक्सीजन के एटम्स मिल गए, हाइड्रोजन में आपको कार्बन के एटम्स मिल गए, ऐसा नहीं है. राइट. ऐसे ही आप गोल्ड को उठा के देख लो, सिल्वर उठा के देख लो, एल्यूमिनियम उठा के देख लो, इनको भी जब आप ब्रेक करोगे तो गोल्ड में आपको गोल्ड के ही एटम्स मिलेंगे, सिल्वर में आपको सिल्वर के एटम्स मिलेंगे और एल्यूमिनियम में आपको एल्यूमिनियम के ही सिर्फ एटम्स मिलेंगे. ऑल राइट. तो साइंटिस्ट ने दूध को रिजेक्ट क्यों किया था? बिकॉज उन्होंने बोला था कि ये जो मिल्क है ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बनके नहीं मिला, मतलब इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि इसमें फैट्स भी हैं, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, इसमें लिपिड्स भी हैं, इसमें कार्ब्स भी हैं, इसमें वाटर भी है, इसमें इतनी सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो हम इसको प्योर में कंसीडर नहीं करते हैं. हम प्योर उसी को कंसीडर करेंगे जो इन सारी चीज़ों से बनके मिला हो, मिलके बना हो. ठीक है. अब बात आती है जो चीज़ सेम टाइप ऑफ, जो सब्सटेंस सेम टाइप ऑफ एटम से बनके मिला है, मतलब जब हम उसको ब्रेक करें तो हमें सेम तरीके के ही एटम्स मिले. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस है, हमें सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस है, सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं, आपकी गोल्ड है तो सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं. तो इसको हमने क्लासिफाई कर दिया
कि ये हैं आपके एलिमेंट्स। ऑल राइट, अब बात आती है कि ये एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन हो जाते हैं आपस में और एक बॉन्ड बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ऑल राइट, फिर बात आती है कि ये कंपाउंड्स क्या हैं। साइंटिस्ट ने जब क्लासिफाई करा तो प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, एक तो एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपाउंड्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपाउंड्स होते हैं जो सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बन के मिला हो। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। केमिकली कैसे कंबाइंड होते हैं, मतलब या तो उनको हीट एनर्जी दी गई हो तब आपस में कंबाइन हुए हो, या उनको लाइट एनर्जी मिली हो तब आपस में कंबाइन हुए हो, या फिर उनको इलेक्ट्रिसिटी मिली हो, इलेक्ट्रिसिटी मिली हो तब जाके आपस में कंबाइन हुए हो, तो ऐसे में वो केमिकली कंबाइंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कहा कि कंपाउंड्स होते क्या हैं, ये तो हमें समझ आ गया दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बन के मिले हो, तो पर कंपाउंड्स के एग्जाम्पल बताइए। अब कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि CO2, शुगर, सॉल्ट, NaCl, ठीक है, CaCO3, NH3, अमोनिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। ये कंपाउंड्स क्यों हैं, अब आप कार्बन को कहीं पे भी जाके देख लेना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है इस वजह से बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है। तो हाँ जी, तो ये जो CO2 है आपकी, ये है, आप चाहे किसी भी मेथड से ये CO2 आपको मिले, फॉर एग्जांपल आप कोक को बर्न कर लो तो CO2 मिलती है, CaCO3 को बर्न करो तो आपको CO2 मिलती है, चाहे किसी भी मेथड से आपको, किसी भी केमिकल मेथड से आपको CO2 मिल रही है, चाहे आपको CO2 एटमॉस्फेयर की मिल रही है, चाहे एटमॉस्फेयर की बाहर की CO2 मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहीं से भी मिल रही है, हमेशा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमेशा आप उसमें क्या देखोगे, मॉलिक्यूल सेम रहेगा, दैट इज CO2। ऐसे ही हम H2O के साथ देखते हैं, H2O दैट इज वाटर, वाटर इज ऑल्सो अ कंपाउंड। पहली चीज, हमने इसको कंपाउंड क्यों बोला, एलिमेंट क्यों नहीं बोला, अब H2O है, ये हाइड्रोजन के एटम से भी बन के मिला है और ऑक्सीजन के एटम से भी मिला है बन के, राइट, और हमने क्या कहा था कि वो सेम टाइप ऑफ एटम से बन के मिला होना चाहिए, है ना, मिलके बना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होते उसको तोड़ने के बाद तो हम बोलते कि हाँ ये एलिमेंट है, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स होते तो भी हम कहते एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के अलग मिले हमें, ऑक्सीजन के अलग मिले, दैट मीन्स कि ये है एक कंपाउंड, समझ गए। अब हम हाइड्रोजन H2O को लेते हैं, अब आप पानी कहीं का भी उठा लीजिए, चाहे रिवर्स का ले लीजिए, चाहे लेक्स का ले लीजिए, चाहे पॉन्ड्स का, ओशियंस का, गटर का, टैप वाटर, आपकी जो टंकी में पानी है उसका वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, आपको हर जगह वाटर में एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा, दैट इज H2O, इट इज़ यूनिफॉर्म, H2O ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कहीं H2O2 मिल गया, कहीं वाटर आपको H2O3 मिल गया, कहीं वाटर आपको H2O5 मिल गया, हर जगह आपको H2O ही मिलेगा। ऑल राइट, अब इन्होंने क्या बोला, टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं केमिकली आपस में विद इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हमने देख लिए कि यहाँ पर H2 भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने बना दिया H2O। लेकिन कैसे बनाया, जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, जब हमने इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करा, तब जाके बना हमारा H2O।
ठीक है, केमिकली कंबाइन हुए, जब ये आपस में केमिकली कंबाइन हुए तब बन गया हमारा H2O। अब आगे इन्होंने क्या कहा, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका क्या मतलब है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का, ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब है क्या। इतने में ये सारी चीज़ इरेज कर देती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने जो भी आपको कंपाउंड्स एलिमेंट्स पढ़ाए हैं तो इसका मतलब क्या है, और ये प्योर क्यों है, ये कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस में क्यों आते हैं, और साइंटिस्ट ने इनको प्योर में क्यों रखा है। चलिए, आपको पता है इस अर्थ पे जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक मास होता है, राइट। अब हमने कहा था मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब हम मैटर को तोड़ते जाएं, मतलब इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, एक एटम। इसको हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं और एक ऐसी स्टेज आ जाए जब वो फर्दर ब्रेक ना हो, तो उसको बोलेंगे हम एटम। वो एटम का भी कोई ना कोई मास होता है, जो एटम हमें दिख नहीं रहा नेकेड आई से, जिसको हम बस माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे कितना ही कम मास हो लेकिन कोई ना कोई उसका भी मास होगा। इसी तरीके से हर एक एटम का मास होता है, हाइड्रोजन के भी एटम का एक मास होगा, ऑक्सीजन के भी एटम का एक मास होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2O का एग्जाम्पल। ये फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कैसे जुड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। एक एटम का मास कितना है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है आपका 16। अब हम देखेंगे H2O करना है तो 1 × 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं आपके पास और ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 16 ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, 2:16। ये हाइड्रोजन का हो गया आपका, ये ऑक्सीजन का हो गया। जब इसको काटा पीटी मचाएंगे तो 1:8 आएगा। मतलब क्या है, जब वाटर बनेगा तो एक पार्ट तो आपका हाइड्रोजन आएगा और 8 पार्ट्स उसमें ऑक्सीजन के आएंगे, तब जाके आपका वाटर बनेगा। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब आप चाहे कहीं का भी पानी बना लीजिए, चाहे आप ओशंस में पानी देख लीजिए, चाहे रिवर्स में पानी देख लीजिए, हर जगह जब आप उस पानी को तोड़ोगे तो आपको इसी प्रोपोर्शन में वो पानी बना हुआ दिखेगा, 1:8 के मास में। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO2। अब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। मतलब एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, राइट। तो यहाँ पर CO2 है हमारा, तो कार्बन की जगह पर क्या आ जाएगा, 12। बीच में प्रोपोर्शन का साइन या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं। और ऑक्सीजन कितना है हमारा, 16। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं हमारे पास, 2, दैट इज इंटू 2 कितना हो गया, 12 × 30, 12:32। इसको कट करोगे आप जब तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 3:8। मतलब ये है कि जब ये मिक्स होगा, जब CO2 बनेगी तो उसमें 3 पार्ट्स कार्बन के आएंगे और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के होंगे। बाय मास मतलब इनका इतना मास होना चाहिए कि 3 पार्ट्स कार्बन के होने चाहिए और ऑक्सीजन के 8 पार्ट, तभी जाके हमारी CO2 बनेगी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हमें क्या कहती हैं। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कहती है कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। हम कंपाउंड्स को मतलब अगर हमें वाटर को H2 और O में
इसमें ब्रेक करना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, मतलब वाटर को अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करना है, तो हम किसी फिजिकल प्रोसेस के साथ उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जैसे कि या तो हम उसकी डिस्टिलेशन कर दें, या मैग्नेट से हम खींच के निकाल लें हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को अलग कर दें, या इवेपोरेट कर दें हाइड्रोजन के एटम्स को, इवेपोरेट कर दें और ऑक्सीजन के एटम्स को बचा लें, या फिल्ट्रेशन कर दें, फिल्टर कर दें भाई छलनी से, हाइड्रोजन के एटम्स अलग हो गए, ऑक्सीजन के अलग हो गए, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही बोला है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं हम उनको कभी भी फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के साथ, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हमारा केमिकल कंपाउंड बना है, फॉर एग्जांपल H2+O गिव्स H2O, ये जो हमारा केमिकल कंपाउंड बना है इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी इस जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं H2 और O के साथ, राइट? अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक कैंडल जलाई, राइट? जैसे ही हमने उसको H2 के सामने जलाया तो वो एकदम पॉप साउंड के साथ जली, और जब हम उसको ऑक्सीजन के पास लेके गए तो क्या हुआ कि वो बहुत तेज़ जली, क्योंकि आपको पता है जैसे ही उसको एयर मिलेगी तो कम्बशन कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है आपकी। तो हाइड्रोजन के पास लेके गए, आपको पता है हाइड्रोजन कैसी है, एक बहुत ही फ्लेमेबल गैस है, तो उसमें क्या हुआ कि पॉप साउंड आई। ऑक्सीजन के पास लेके गए, उस कैंडल की जो बत्ती थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है? लेकिन यही हम इसको जब वाटर के पास लेके आए तो भाई इसकी प्रॉपर्टी भी तो इनके जैसी होनी चाहिए कि भाई हमारी फ्लेम बढ़ जाए या फिर पॉप की साउंड आए। तो हमने देखा कि उनमें से कुछ भी नहीं हुआ और हमारी जो ये फ्लेम थी वो क्या हुआ, बुझ गई। वाटर के पास जैसे ही हम लेके गए उसको, वाटर से टच कराया, वो बुझ गई। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने बोला कि जो प्रॉपर्टी, जो केमिकल कंपाउंड हमारा बनता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जैसी नहीं होती है। अगर हम इसको फिजिकली मिक्स करते, मतलब कि एक हम कंटेनर लेते उसमें हाइड्रोजन के भी एटम्स डाल देते और ऑक्सीजन के भी एटम्स डाल देते, राइट? जब हम इनको केमिकली कंबाइन नहीं कर रहे, बस उसको डाला है हमने एक कंटेनर में, तो हमारी वो प्रॉपर्टीज ऐसे ही दिखाता कि पॉप की भी साउंड आती और फ्लेम भी आ जाता। लेकिन जब हमने इनको केमिकली कंबाइन कर दिया है, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया है और वाटर बना दिया है, तो इस वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं अपने ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज से। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आयरन और सल्फर। आयरन और सल्फर बना देते हैं FeS। अब इस FeS की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी आयरन से और सल्फर से। अब आयरन को आप, अगर हम आयरन को सल्फर के साथ मिला देते हैं, यहाँ कुछ आयरन पार्टिकल्स डाल दिए और सल्फर के पार्टिकल्स डाल दिए, तो हम मैग्नेट से इस आयरन को बाहर निकाल सकते हैं, राइट? लेकिन जब हमने इन दोनों को हीट कर दिया, केमिकली इन दोनों को कंबाइन करा दिया और FeS बना दिया, तो क्या होगा, हम अगर इसमें से FeS में से मैग्नेट के थ्रू इस आयरन को निकालना चाहें तो वो हमारा पॉसिबल नहीं है, हम इस आयरन को निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारी प्रॉपर्टीज थी इसकी और इसकी, वो बिल्कुल बदल गई जब FeS बना, ठीक है? अब ऐसे ही हमने जब आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रोजन गैस बनी, लेकिन जब हमने इस कंपाउंड को FeS को H2SO के साथ कंबाइन कराया तो हमारी H2S गैस बनी। अब H2 और H2S दोनों अलग अलग गैसेस हैं, H2 हाइड्रोजन है, H2S अलग गैस है। H2S कैसी गैस बनी, जिसमें से बहुत ही हमें गंदी स्मेल आई, जैसे रॉटन एग की पंजेंट स्मेल आती है, बिल्कुल वैसी हमें स्मेल आई इसमें से, इस गैस में से। तीसरा क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी में, कि जब भी कोई हमारा केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है तो या तो हमारी हीट या लाइट एनर्जी उसमें लगती है, ठीक है, या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट या लाइट एनर्जी उसमें से बाहर निकलती है। फॉर एग्जांपल जब हमने H2+O से H2O बनाया
तो हमने इसको क्या दी थी, इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस कराया था, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ तो हीट एनर्जी जो है वो क्या हुई, बाहर निकली। तो दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं कि इसमें से क्या हुई, इवॉल्व हुई हीट। तो इस वजह से, या जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि कंपाउंड का एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। तो मैंने बताया कि इसका एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल, अगर H2O मैं ले लेती हूँ वाटर, तो इसका हमेशा मॉलिकुलर फॉर्मूला H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर का फॉर्मूला H2O2 बन गया या H3O2 बन गया। हमेशा इसका केमिकल फॉर्मूला, चाहे कहीं का भी वाटर आप उठा लीजिए, H2O ही रहेगा। ऑल राइट, इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंपाउंड का हमेशा एक फिक्स्ड मेल्टिंग और फिक्स्ड ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा, ये होमोजीनियस होते हैं, मतलब पानी जो होगा वो एक जैसा ही रहेगा। मैं इसमें ये बात नहीं कर रही कि गंदगी है उसमें, गंदगी को हटा दो आप। अगर पानी हमारा प्योर है तो वो एक जैसा ही रहेगा, ऊपर से नीचे तक जब हम देखेंगे पानी हमें बिल्कुल होमोजीनियस दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा उसमें हमें हाइड्रोजन अलग दिख रही है और ऑक्सीजन अलग दिख रही है, हमें वो होमोजीनियस ही दिखेगा। चाहे हम एक बकेट में पानी लेके बीच में से पानी निकाल लें, ऊपर से पानी निकाल लो या नीचे से, हर जगह आपको होमोजीनियस ही पानी मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा प्योर सब्सटेंस कंप्लीट हुआ। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको दो केसेस देती हूँ। एक दो बीकर हैं आपके पास, बीकर वन और बीकर टू। एक बीकर में शुगर और वाटर है और एक बीकर में क्या है, वाटर और आयरन की फिलिंग्स, Fe, ठीक है, आयरन की फिलिंग्स है। अब मुझे ये बताओ, मैंने शुगर को घोल दिया और आयरन की फिलिंग्स को भी घोल दिया, राइट, इस तरीके से स्टर कर दिया, तो कौन सा मिक्सचर जो है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कौन से मिक्सचर में हमें ये दिखेगा कि कौन सा मिक्सचर है जो होमोजीनियस होगा, ये बताइए, वाटर या शुगर का या फिर वाटर या फिर आयरन का। हम देख सकते हैं जब हमने उसको मिला दिया, जब कंपोनेंट्स को हमने मिला दिया शुगर और वाटर को, तो शुगर के पार्टिकल्स हमें अब दिखना बंद हो गए और वो इतना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर में कि अब हमें सारा का सारा जो वाटर है वो यूनिफॉर्म दिखा, एक जैसा दिखा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हमने क्या देखा, जब हमने आयरन की कीलें मिलाई पानी में, तो हमें पानी अलग दिखा और कील अलग दिखी, ठीक है। तो इन दोनों मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा हुआ, ये बताइए। तो जो पहले वाला मिक्सचर था शुगर और वाटर का, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है।
और वाटर और आयरन का ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स होते क्या हैं? जो सब्सटेंस आपका दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से मिलके बना हो, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होता, उसे बोलते हैं हम मिक्सचर। हमने कंपाउंड में क्या करा था? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो थे वो कैसे कंबाइंड थे? केमिकली कंबाइंड, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं, मिक्सचर्स में ज़रूरी नहीं है कि ये केमिकली कंबाइंड हो, मतलब ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में भी कंबाइंड नहीं होते एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपके, राइट? तो उसी को हम बोल देते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जैसे कि आयरन जो आपका चीनी और पानी का है, अब आप पानी में कितनी चीनी घोलते रहो, ठीक है, इसका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि हमें इतनी ही चीनी पानी में घोलनी है, हम कितनी ही चीनी घोल सकते हैं। प्लस हमने इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं करा, जैसे कि हमने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी और कोई नया सब्सटेंस नहीं बन गया, हमने इसमें कोई लाइट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी, हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पार्क प्रोवाइड नहीं करा, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ऐसे ही हम आयरन फिलिंग्स और वाटर के मिक्सचर्स की बात करेंगे तो उसमें भी सेम है। अब मिक्सचर के एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी आपको एयर में, ऑक्सीजन भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, आर्गन मिलेगी, वाटर वेपर्स मिलेंगे, राइट? अब कुछ मिक्सचर्स हैं जैसे घी है, ऑयल है, मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी किसका है आपका वाटर हो जाएगा, गैस हो जाएगी, आपके सिंथेटिक कलर्स हो जाएंगे, अलग से स्वीटनर्स हो जाएंगे, ये सब चीज़ें मिली होंगी। घी में भी आपके अलग अलग चीज़ें मिली होती हैं, ऑयल में भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली होती हैं, आटे में भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली होती हैं, राइट? जो गेहूं का आटा है आप पिसवाते हो, जो गेहूं पिसवाते हो आप, तो उसमें भी गेहूं जो है वो अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं उसमें, उसमें अलग और चीज़ें भी हैं, तो ये सारी चीज़ हो जाती है। आपके मिक्सचर्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के भी दो पार्ट सब पार्ट्स हैं, दैट इज टू सॉल्यूशंस अलॉयज, और हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं आपके सस्पेंशन और कोलॉइड्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में, ये जो आपका मिल्क है, ये हमें ये तो पता चल गया कि साइंटिस्ट ने इसको इम्प्योर क्यों कहा, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपका मिल्क किस में आता है, टू सॉल्यूशंस में, अलॉयज में, सस्पेंशन में या कोलॉइड्स में। चलिए आगे चलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है आपका? द मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड टूगेदर एंड आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्सड अप होते हैं और हम उनको उसके बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, चीनी जैसे ही आपके पानी में मिल जाएगी तो हम उसके बाद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ये चीनी कौन सी है, और इसमें पानी तो हमें दिखेगा पर उसमें ये नहीं दिखेगा कि चीनी कहाँ गई हमारी। तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, जो भी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है, एक यूनिफॉर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन में, एक बार नमक पानी में गया आप देख नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो नमक अब गया कहाँ, वो इतने अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इतना इवनली मिल जाता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को देखोगे तो पूरा सॉल्यूशन ही कॉपर सल्फेट का आपको दिखेगा, आप पानी को अलग नहीं कर पाओगे और सल्फेट को अलग नहीं कर पाओगे। अब जैसे स्टील है आपका, ये किससे बना है आपका? ये एक अलॉय है आयरन का और कार्बन का और बाकी अदर मेटल्स का, पर जब आप स्टील को देखोगे तो आप उसमें से आयरन अलग नहीं कर पाओगे, कार्बन अलग नहीं कर पाओगे, अलग से नहीं देख पाओगे, और बाकी जो मेटल्स मिले हैं उनको अलग नहीं देख पाओगे, राइट? इनकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऑयल डाला
पानी में, तो वो एक लेयर बना देता है। आप ऑयल को कम हटा सकते हो और वाटर को हटा सकते हो। ऑयल ने एक क्या कर दी, बाउंड्री बना दी अपनी। बट इस होमोजीनियस मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता, एक बाउंड्री नहीं बनाते, ये कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती हमारी कि भाई ये इस मटेरियल की बाउंड्री है, ये इस सब्सटेंस की बाउंड्री है जो मैंने डाला है, और ये इस सब्सटेंस की बाउंड्री है जिसमें मिलाना है। ऐसा कुछ नहीं होता, एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती। कंपोजिशन हमेशा ही सेम रहती है थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर सारे के सारे सॉल्यूशंस होते हैं और हम उन कंपोनेंट्स को नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस क्यों कहलाते हैं, जब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर नॉट थोरोली मिक्स, जब कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थोरोली मिक्स नहीं होते। अब आयरन फिलिंग्स की हमने बात करी थी, आयरन फिलिंग्स वाटर में थोरोली मिक्स नहीं हुई, मतलब ये तो है नहीं कि हमने आयरन फिलिंग्स को मिक्स करा और हमें कुछ देर बाद आयरन फिलिंग्स जो है वो दिखनी बंद हो गई, वो थोरोली मिक्स नहीं हुई पानी में, ठीक है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिन कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स को जो मिक्स नहीं होते आपस में, उसे ही बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। और जो मिक्स हो जाते हैं आपस में अच्छे से, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें लिखा है सेकंड पॉइंट, सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एंड वन इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स और बबल्स। ये समझ आ गया आपको। एग्जाम्पल है शुगर एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर। आप एक बास्केट में, आप एक बकेट में शुगर डाल लो और सैंड डाल लो, क्या आप इनको देख पाओगे, शुगर के पार्टिकल्स को और सैंड के पार्टिकल्स को? तो आप कहोगे हाँ, ये शुगर के पार्टिकल्स अलग हैं और सैंड के पार्टिकल्स अलग हैं। दूसरा आप कहोगे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, कहीं तो शुगर के पार्टिकल ज़्यादा दिखेंगे आपको, कहीं पर सैंड के पार्टिकल ज़्यादा दिखेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते ये। एंड कंपोजिशन इनकी विजिबल होती है नेकेड आई से, मैं देख सकती हूँ कितनी शुगर डली है और कितना इसमें सैंड डला हुआ है, और एक विजिबल बाउंड्री है सेपरेशन की भी कि भाई यहाँ पर इतना इतना सैंड दिख रहा है मुझे, इतनी शुगर दिख रही है। और प्लस हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मिक्सचर्स की, ये आपको करनी है। मिक्सचर जो होता है ये सेपरेट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बाय फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि फिल्ट्रेशन से, इवेपोरेशन से, सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से या मैग्नेट से। मिक्सचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। मान लीजिए यहाँ पर आयरन और सल्फर है, मैंने उसको एक कंटेनर में डाला, ये आयरन भी है और सल्फर भी है पाउडर, लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेट से आयरन फिलिंग्स को खींचूंगी, आयरन पाउडर को खींचूंगी, तो सारा का सारा आयरन पाउडर मेरी मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा। तो जो मिक्सचर है ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को शो करेगा, वो किस लिए, क्योंकि ये मिक्सचर है, हमने इसको केमिकली कंबाइन नहीं करा है, मिक्सचर केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं इसमें से, ना ही जब हम कोई भी मिक्सचर बनाते हैं ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही एनर्जी बाहर निकलती है। कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये वेरिएबल हो सकता है, और दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट फॉर्मूला। अब इनका कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता तो कोई डेफिनेट फॉर्मूला भी नहीं होगा। अब मैं चीनी डाल रही हूँ क्या, अब मैं नमक डाल रही हूँ, मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, तो इसमें क्या है, कितने भी चीनी डाल सकती हूँ मैं, कितनी भी स्पाइसेस डाल सकती हूँ, तो इसका कोई पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला नहीं बनता क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं रहती, प्लस इनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड कीप स्टडिंग।